सो हे गाइज, वेलकम टू शिवी गुप्ता ब्लॉग्स। और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा अमेजिंग। आज मैं लेके आ गई हूँ नया प्रोडक्ट। सो गाइज, वो प्रोडक्ट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि सबको पता ही चल गया होगा मेरा फ्रंट पेज देखे कि आज का प्रोडक्ट क्या है। सो गाइज, यस, मैंने मंगाया था मीशो से। आपको पता ही होगा आलिया भट्ट ने अभी जो रिसेंटली मूवी आई थी उसमें उसने वो जो साड़ी वियर की थी तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही थी। इसके लिए मैंने भी एक ऑर्डर कर ली थी। मुझे पता नहीं था कि वो कैसी है, कि लोग कहाँ से उसको ऑर्डर कर रहे हैं, बट मुझे भी एक जगह से दिखी तो मैंने वहाँ से ऑर्डर कर दी। तो मीशो पे वैसे तो बहुत सारे सेलर्स हैं जो उस साड़ी को सेल कर रहे हैं, बट पता नहीं किसका कपड़ा अच्छा है, किसका कलर अच्छा है, किसका कॉम्बिनेशन अच्छा है, कौन फेक दे रहा है। तो मैंने जहाँ से ऑर्डर की थी वहाँ से मुझे ऑर्डर आ चुका है, तो मैं थोड़ी सी एक्साइटेड थी। इसके लिए मैंने ओपन करके देख लिया है उसको ऑलरेडी, बट आपके अंदर अभी भी एक्साइटमेंट होगी उसको देखने के लिए कि क्या मुझे रिसीव हुआ है। तो गाइस, पहले तो आप स्क्रीन पे देखें, आपको जो साड़ी दिख रही है आलिया भट्ट की सेम एज इट इज साड़ी, आप देख लें कि है कि नहीं। तो गाइस, ये मीशो का प्रोडक्ट था। तो ये मैंने मंगाया था आज से 4 डेज पहले, तो मुझे 4 दिन बाद ये रिसीव हुआ है। इसका टोटल कॉस्टिंग जो थी वो थी 466, मतलब अप्रॉक्स 500 हो गई है। तो 500 के अंदर ही मुझे ये मिला है। तो इसकी जो साड़ी है मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका जो ब्लाउज है वो अनस्टिच है, मतलब स्टिच नहीं है, वो मैं देख चुकी हूँ इसमें। तो ये इस टाइप की साड़ी है, आप देख ही रहेंगे। इसके कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, जैसा भी आलिया भट्ट ने पहना हुआ है। तो ये इसका कलर कॉम्बिनेशन है, सी पिंक है, फिर नीचे कुछ क्रीमिश ऑरेंज सा कलर है, फिर लाइट ब्लू है, फिर डार्क ब्लू है। इस टाइप की साड़ी है। तो मुझे इसका स्टफ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत स्मूथ है ये। और ये इसका ब्लाउज है, ये ब्लू कलर का, ये यहाँ से कटेड है, तो यहाँ से कट करके इसका ब्लाउज सिलवा सकते हैं। ये मतलब सिला हुआ नहीं है, अनस्टिच है, सेमी भी नहीं है कि इसको सिलवा लें, तो पूरा ही इसको सिलवाना पड़ेगा। बाकी ये पूरी 6 मीटर की साड़ी है और इसके अंदर ये लेस लगी हुई है, जैसा कि उसने पहना हुआ है आलिया भट्ट ने, वैसी ही लेस लगी हुई है। तो चलो इसको वियर करके दिखाती हूँ मैं विदाउट ब्लाउज, तो देखते हैं कैसा लग रहा है। सो गाइस, मेरे पास इसका अभी कुछ भी नहीं है, लाइक मेरे पास इसका पेटीकोट नहीं है, फॉल नहीं है, क्योंकि ये मुझे कल ही आई है। तो अभी मैं आपको ऐसे ही रेंडमली बता रही हूँ कि ये साड़ी कैसी लग रही है पहनने के बाद। इसका जो ये वाली फॉल है ये ऊपर की साइड आ रही है, बोले तो डिज़ाइन, और बाकी इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका मतलब 6 मीटर पूरा है ये। तो अभी मैं आपको रेंडमली दिखाती हूँ पहनती की कैसी लग रही है, सी तो गाइज आप देख सकते हैं आलिया भट्ट और मेरी साड़ी, इसका कलर कॉम्बिनेशन एकदम सेम है, डिट्टो सेम है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है साड़ी में। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, और इसके कपड़े में भी चेंजेस नहीं है। कपड़ा भी बहुत प्यारा है इसका, वो जब इसका ब्लाउज सिलवाऊंगी तब पता चलेगा। तो फाइनली फॉर द फीडबैक, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये साड़ी। हम रैंडमली कहीं भी छोटी मोटी पार्टी में, छोटे मोटे फंक्शन में, या फिर किधर भी रैंडमली पहन सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस साड़ी में एक सुकून मिल रहा है, कि हैवीपन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे लाइक हमने बहुत हल्का सा कपड़ा पहना हुआ है। तो इस साड़ी को आप रेगुलरली डेली बेसिस भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सो गाइज, कमेंट करके बताना आपको ये साड़ी कैसी लगी। मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी जो लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं इस साड़ी को। सेम एज इट इज़ आ रही है, जहाँ से मैंने ऑर्डर किया वहाँ से तो एज इट इज़ ही आ रही है। तो गाइज़, इसको आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे दूँगी ताकि आप इसको ऑर्डर कर सकें। सो गाइज़, अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब तो करना ना भूले, सबसे पहले कर दे। और इस वाली जो मेरी साड़ी है ये वाली, ऐसे और भी मैं लेटेस्ट कलेक्शन लाती रहूँगी, तो मोर वीडियोस के लिए मुझे कमेंट्स करें कि मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।